मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ कि इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखकर आपका सर शर्मिंदा से नहीं झुक रहा होगा तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती दोस्तों, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, बोलने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं है। इस तस्वीर को देखिए मोदी जी, और महसूस कीजिए कि इस तस्वीर में जो एक बूढ़ी महिला है वो क्यों सड़कों पर उतरी है, किन हालात की वजह से सड़कों पर उतरी है। इस महिला से चला तक नहीं जा रहा है, ये इतनी बूढ़ी है, इतनी ज़ईफ़ है, फिर भी ये मणिपुर में हुए हिंसात्मक घटनाओं को लेकर, मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती को लेकर, मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ जघन्य अपराध को लेकर आज सड़कों पर उतर आई है। कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो, इन महिलाओं को देखकर आपका दिल पसीज नहीं रहा है क्या? इन महिलाओं के दुख देखकर आपका दिल रो नहीं रहा है क्या? अब कब तक, आखिर कब तक ऐसे ही ये महिला सड़कों पर अपने लिए न्याय मांगती रहेंगी? चाहे मणिपुर की महिलाएं हो या देश की किसी भी कोने की महिला हो, कब तक आपके आगे गिड़गिड़ाते रहेगी? कब तक हाथ जोड़कर आपसे मांगती रहेगी कि मोदी जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, क्योंकि हमारा राज्य सेफ नहीं है, हमारे राज्य में महिलाओं की क्या दुर्दशा है, राज्य क्या दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं की क्या दुर्दशा है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। सभी को पता होगा कि किस तरीके से महिलाओं के साथ ट्रीट किया जाता है, कैसे महिलाओं का शोषण किया जाता है, कैसे महिलाओं को अपमान किया जाता है, कैसे महिलाओं को हर रोज़ प्रताड़ित किया जाता है, हर रोज़ उन्हें नीचा दिखाया जाता है। आज मणिपुर की हालात में बयां कर रही हूँ। मणिपुर में इस बुज़ुर्ग महिला जो कि खुद चल नहीं पा रही है, लेकिन हक के लिए, महिलाओं के लिए सड़कों पर उतर आई है, ये आपकी माँ की उम्र की है मोदी जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें आपको अपनी माता दिखेगी जो कि स्वर्गवास से धार चुकी हैं। कम से कम अपनी माता जी के खातिर इन महिलाओं का दुख, इन महिलाओं का दर्द देखिए, इन महिलाओं की पीड़ा देखिए और उनको न्याय दिलवाइए। मत कीजिए राजनीति, मत कीजिए कुछ भी, बस इन महिलाओं को न्याय दिलाइए। दोस्तों मणिपुर में ऐसे ही हालात, ऐसी ही तस्वीर लगातार देखने को मिल रहा है। दिल रो रहा है, दिल पसीज रहा है कि आखिर मणिपुर की जो हालात है, जो हालत बस से बदतर है, वो कब ठीक होंगे, कब सुधार आएंगे। इस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, कुछ हो मेरे पास तो ऐसा कर दूं जो सब कुछ ठीक हो जाए, इन महिलाओं का दर्द, इन महिलाओं की तकलीफ कम हो जाए। लेकिन अफसोस की बात, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं इन महिलाओं का दर्द, इन महिलाओं की तकलीफ बांट सकूं। आज जो महिलाएं सड़कों पर दिखाई दे रही है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इनके गले लगकर रोऊं, इनके गले लगकर इनको खूब संतावना दूं, इनको बोलूं कि आप इस तरीके से जो है हताश मत होइए, निराश मत होइए। भगवान अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज जो तस्वीर देख रही हूँ दोस्तों, तो दिल बैठ रहा है। बेचारी बूढ़ी महिला झुक झुक कर न्याय के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। इस वीडियो को तमाम लोग शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मिजोरम में एक बुज़ुर्ग मणिपुर की महिलाओं के सम्मान में तपती हुई धूप में ये महिलाएं पैदल चल रही है, हालांकि उसे चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन ये बुज़ुर्ग व्यक्ति मणिपुर की महिलाओं के लिए अपनी फिक्र किए बगैर खुद प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पैदल चल पड़ी है। अब क्या देखने को बाकी रह गया है मोदी जी? आप खूब कीजिए राजनीति, खूब विपक्ष पर कटाक्ष कीजिए, खूब उनको कोसिए, खूब उनको बुरा भला कहिए, लेकिन इन महिलाओं का भी दर्द देखिए, इन महिलाओं की भी तड़प देखिए, इन महिलाओं का भी डर आपको देखना चाहिए। जिन महिलाओं ने आप पर भरोसा किया, जिन महिलाओं ने आपकी सरकार, आपकी पार्टी को चुना कि सब कुछ यहाँ पर शांत होगा, सब कुछ खुशहाल होगा, एक प्यारा सा राज्य, यहाँ पर सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन अफसोस की बात 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है और चुप्पी टूटती ही नहीं है, एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है।
मन क्रोध है मन क्रोधित है करके बस चुप हो गए। आखिर कब कब तक ऐसे ही मणिपुर को देखते रहेंगे, कब तक वहाँ के हालात पर ऐसे ही चिंता व्यक्त करते रहेंगे, ऐसी तस्वीर को देखकर आंखों से आंसू निकलते रहेंगे, आखिर कब तक? कुछ तो मोदी जी बोलिए, कुछ तो आप देखिए, आंखें खोलिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो विनती करती हूँ कि आप माफ़ी मांगकर अपनी जिम्मेदारी किसी और को निभाने के लिए दे दीजिए, जो कैपेबल लगता है, आपकी ही पार्टी का कोई नेता हो, आपकी ही पार्टी का कोई मंत्री हो, उसे जिम्मेदारी दे दीजिए जो मणिपुर के हालात संभाल सकते हो, जो मणिपुर की चीज़ें हैं उसको ठीक कर सकते हो। क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको बोले हुए आपके बयान को काफ़ी दिन गुजर गया है, 4 से 5 रोज़ हो चुके हैं, अब तक CM का इस्तीफा नहीं लिया गया है। कम से कम राष्ट्रपति शासन ही लागू कर दीजिए, कम से कम वहाँ के हालात को तो देखिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।